अब एक जानकारी पशुपालन उद्योग से जुड़े किसानों के लिए। बढ़ती आबादी को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कृषि क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिकों को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ये विचार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर बी.एस. प्रकाश ने व्यक्त किए। डॉक्टर प्रकाश ने हरियाणा के करनाल जिले में चारे पर आयोजित टेक्स एक्सपो का उद्घाटन भी किया। टेक एक्सपो में पशुओं के चारे से जुड़ी देश की तमाम नामचीन कंपनियों के साथ साथ दुनिया भर की कई बड़ी कंपनियों ने भी हिस्सा लिया। टेक एक्सपो का आयोजन करनाल की बेनिसन मीडिया ने करवाया था। डॉक्टर प्रकाश ने बताया कि पिछले कुछ सालों से देश के पशुपालन उद्योग ने आधुनिक तकनीकों का सहारा लेना शुरू किया है। जो चारे का जो जमीन था वो धीरे धीरे घटता गया, और इस घटने की वजह से एक तरह से इसका एक फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि लोग पहले जो थे जो ये गाय भैंस पालते थे वो सीधा जो है जो ग्रेजिंग एरिया है, जो पैस्चर होते थे, जो खुली जगह थी जहाँ पे वो अपने वो चारा खाने के लिए चली जाती थी, तो उतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जैसे जैसे ज़मीन कम होता गया तो इंटेंसिफिकेशन होने लगा कि हमें कम ज़मीन पे फिर हमें मवेशियाँ रखने के लिए, पोल्ट्री रखने के लिए, और छोटी ज़मीन में हम मछली उगाने के लिए, इसके ऊपर बहुत बहुत इनोवेशन्स हुए। बहुत तरीके से हमने सोचा, हमारे जो वैज्ञानिकों ने फिर ये देखा कि इसके इंटेंसिफिकेशन करने से कि एक ही जगह पे उसको अच्छी तरह से फीडिंग करके एक जिसको कहते हैं हम साइंटिफिक फीडिंग कर पाए, एक तरह से ये अच्छा ही हुआ कि हमें कम ज़मीन जब मिलती है तो फिर लोग कम ज़मीन पे उसको और अच्छी तरह से देखभाल करके, यही एक वजह है कि हमारे पास जो है दूध का उत्पादन हर साल हमेशा 4% से ऊपर ही रहा है। तो इस वजह से क्या है कि दूध का उत्पादन आज 155 मिलियन टन है, क्योंकि अब जो है किसान समझदार है, वो जानता है कि अगर ये कम जगह में भी वो ज़्यादा मवेशियों को रख सकता है, पशुओं को रख सकता है, और उससे ज़्यादा उत्पादन कमा सकता है। तो मेरे हिसाब से, और दूसरी बात ये है कि पशु और इंसान के अंदर ज़्यादा इसमें ओवरलैप नहीं है, मतलब एक तरह से कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है। जो इंसान को ये जो अनाज पैदा करते हैं, जो हमारा किसान अनाज पैदा करता है, उसी का जो क्रॉप रेसिड्यू है वही हमें मवेशियों के लिए हमारा उनके लिए चारा बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इस अवसर पर बेनिसन मीडिया के संपादक और प्रकाशक प्राची अरोड़ा ने बताया कि टेक एक्सपो का ये आयोजन देश का अकेला ऐसा एक्सपो है जो पशुओं के चारे से जुड़ी समस्याओं, नई तकनीकों और नई खोजों की जानकारी को एक मंच पर मुहैया कराता है। इस इंडस्ट्री में आने का रीज़न, इस इंडस्ट्री में होने का रीज़न इज़ कि क्योंकि हम चाहते थे, हमारे पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन हैं एनिमल्स के टर्म्स में, बट एनिमल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। 70% किसी भी फार्मर का अगर हम एक्सपेंस देखें वो जाता है न्यूट्रिशन के ऊपर, उसकी फीड, उसको जो चारा खिलाना है और उसको जो फीड खिलाना है, लेकिन उस फीड के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो हम एक इंटरफेस की तरह काम करना चाहते थे जहाँ पर हम फीड मिलर्स को फार्मर्स से मिला सकें, जहाँ पे हम हमारे सप्लायर्स को फीड मिलर्स से मिलवा सकें। तो वो हम एक ब्रिज का काम करने की कोशिश कर रहे हैं।